हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग चाकुलिया में, चाकुलिया का नमक पर हमें अभी यहाँ पे नाश्ता वास्ता हो चुका है। दुकान का खासियत है कि 10 रुपया पॉकेट में अगर रहता है तो आप लोग आराम से यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। चाय तो पूरी देता है, बाकी पेट भर जाता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से लगा के रखा है। और ये है एरिया जो कि चाकुलिया नामो पर का। और हम लोग यहाँ से ऑलमोस्ट हम लोगों का नाश्ता वास्ता हो चुका है तो निकलने वाला है। और इस बीच हम लोगों को देखने को भी लगा कि हम लोगों के लोकल एरिया में आज आषाढ़ महीना है, तो आषाढ़ महीने में किस तरह से जापवास का शुरुआत हुआ है वो भी तो पूरा फुल ब्लॉग में रही है। तो यह दुकान से निकल चुके हैं, जाने वाले हैं घर। और देख पा रहे हैं किस तरह से धूप अभी खिल रहा है, मतलब धूप जो है बहुत जोरी है। ठीक है, पसीना पसीना हो चुके हैं। ये वाला जो आप लोग देख पा रहे हैं ये वेस्ट बंगाल की तरफ जाएगा। और यहाँ का नज़ारा देखो, आगे जो है ये क्या बोलते हैं इसको, देख सकते हैं। गाड़ी में चलने के लिए तेल डालना जरूरी होता है, तो चकुलिया पेट्रोल पंप में हम लोग थोड़ा बहुत पेट्रोल डाल लेते हैं तभी ना चलेगा गाड़ी, तो इसीलिए रुके हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग गोंदरोपी के करीब में है। और यहाँ पे अभी खेती शुरू हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं तोला फोला भी पका हुआ है और खेती भी ठीक ठाक, मतलब शुरुआत अभी हो चुका है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बारिश भी हुआ है। ठीक है, और पहाड़ पूजा जो कल परसों हुआ तो बारिश तो हुआ लाजमी है। तो यार फाइनली चकुलिया से डायरेक्ट लोहा मौलिया आ चुके हैं। लोहा मौलिया में मामा घर में रुके हैं थोड़ा बहुत, और अभी यहाँ पे पहली बार आए हैं। और यहाँ का नज़ारा देखो किस तरह से पूरा पेड़ जो है, पेड़ों के बीच में घर है। ठीक है, घर भी उतना देख पा रहे हैं, हम लोगों का घर ऐसे ही है। और यहाँ पे जो माहौल है भाई, वाकई कमाल का है। वो साथ में भाई बारिश आने वाला है, बारिश देखो उधर पे देखो आ रहा है। अभी एक दो फोटा मेरे चेहरे पे भी लग रहा है। और अभी हम अंदर जाते हैं नहीं तो भीग जाएंगे। बाहर में बैठे हुए थे हम लोग तो इसीलिए कि यहाँ पे जो हवा है बहुत मस्त चल रहा था, और वो हवा जो बारिश का था वो तो नहीं पता था। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो बाबू पैर धोने वाला है, देखो मरुआ हैं ये बाबा। तो यार आप लोग देख सकते हैं कि बारिश किस तरह से हो रहा है, और इसीलिए पहाड़ पूजा किया जाता है। जो कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पहाड़ पूजा बारह मौजा के लोगों द्वारा किया जाता है ताकि खेती बाड़ी अच्छा से हो सके। अरे ऐसे बारिश होगा तब ना खेती होगा, इधर पे केलन फेलन नहीं है। साल में जो खेत होता है वो इसी बारिश के भरोसे ही होता है मेरे भाई। देखो मस्त लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। कुछ देर पहले धूप दे रहा था, अभी बारिश। तो यार जैसे कि कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बारिश भी हुआ, और अभी देखो किस तरह से धूप है। ये धूप जो है बहुत तेज है, कुछ देर पहले बारिश हुआ और अभी धूप हो रहा है। यहाँ पर आसपास में आप लोग देख सकते हैं अभी खेती वगैरह का काम, मतलब खेत का काम शुरुआत हुआ है। तो भाई साहब धूप का जो तेज है ये कभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ देर पहले इधर पे बारिश हुआ, आप लोग देख सकते हैं। और कितना तेज धूप है भाई, गजब का लग नहीं रहा है कि बारिश हुआ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं गाड़ी में अभी भी पानी का छींटा जो है मौजूद है। तो यार आप लोगों ने देखा कुछ देर पहले जो कि पूरा करारा धूप दे रहा था, और अभी बारिश हो रहा है। तो ये धूप और बारिश का जो खेल है ये आज के दिन में पूरा कंटिन्यू चल रहा है। तो यार फाइनली बारिश जो है फिर से शुरू हो चुका है, और आप लोग देख पा रहे हैं हम पहुंच चुका है अपने मामा घर। घर बहुत तेज हो चुका है यहाँ पे, देखो दादू का क्या हालत है। और यहाँ पे दादी देखो नाइबे नाइबे बोल रहे हैं। तो यार फाइनली हम थोड़ा खेत की तरफ आया, तो इधर पे हाल का जूता चल रहा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी शुरू होगा खेत का काम जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और यहाँ पे देखो हम लोगों का जो बांध है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत भर चुका है, और यहाँ पे मछली पकड़ने आया हुआ है भाई, तो हम उसी को बुलाने आए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मछली पकड़ना चालू है। कोटा लग लो कोई ये क्या, तो ये मछली अभी फंसा है, छोटा सा है लेकिन एक एक मिला के ये भी बगा हो सकता है।